अब बात करेंगे केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा की। अजय मिश्रा ने पत्रकार को एक ऐसा बयान दे दिया कि यह मामला तूल पकड़ने लगा है और अब महाराष्ट्र के कैबिनेट मंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता नवाब मलिक अजय मिश्रा के खिलाफ कार्रवाई की मांग कर रहे हैं। दरअसल पूरा का पूरा जो मामला है इसका एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है जिसमें एक पत्रकार के साथ दुर्व्यवहार करते नजर आ रहे हैं केंद्रीय गृह राज्य मंत्री अजय मिश्रा टेनी। साथ ही वे पत्रकार को गाली देते और धमकाते नजर आ रहे हैं। यही नहीं, इस वीडियो में मंत्री अजय मिश्रा पत्रकारों को चोर कहते हुए भी सुने जा सकते हैं। दरअसल पत्रकार की गलती बस इतनी थी कि उसने अजय मिश्रा से उनके बेटे आशीष मिश्रा पर लखीमपुर हिंसा मामले को लेकर सवाल पूछ लिया। बस इसी बात को लेकर अजय मिश्रा टेनी बौखला उठे और अपना सारा गुस्सा पत्रकार पर निकाल दिया। अब अजय मिश्रा टेनी के पत्रकार से दुर्व्यवहार करने को लेकर एनसीपी ने कड़ी आपत्ति जताई है। एनसीपी प्रवक्ता नवाब मलिक ने अजय मिश्रा टेनी के खिलाफ मुकदमा दर्ज करने और उन्हें गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं और साथ ही पीएम मोदी से भी उन्होंने टेनी का इस्तीफा लेने की मांग की है। एसआईटी के रिपोर्ट अनुसार लखीमपुर की घटना ये सुनियोजित थी, हत्याकांड सुनियोजित था, ये स्पष्ट हो गया। अजय मिश्रा टेनी को जब पत्रकार सवाल पूछने गए तो पत्रकारों को धमकाना, मोबाइल छीन लेना, उन्हें बंधक बनाना, ये बड़ा अपराध है। हम इस तरह की घटना की निंदा तो करते हैं और मांग करते हैं कि और एक नया मुकदमा दर्ज हो गृह राज्य मंत्री पे, उन्हें गिरफ्तार किया जाए। टेनी इस्तीफा देंगे नहीं, ये मोदी जी की जिम्मेदारी बनती है कि सुनियोजित तरीके से किसानों की हत्या कराई गई, पत्रकार सवाल पूछेंगे तो धमकाया जाएगा, उन्हें बंधक बनाया जाएगा। किस तरह की कानून व्यवस्था है मोदी जी? अब सीमाएं मंत्री आपका लांग रहा है, तात्काल रूप से उन्हें आप बर्खास्त करने का काम करेंगे।